गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का कंटेंट ये है कि मैंने कुछ एक फोटो एडिट किया है जिसमें मैंने ऐसे सीन दिखाया है कि जैसे कि आप देखते हो ना, साईफाई मूवीज देखते हो, डेजर्ट लुक टाइप का ना। आई नो यार, मुझे नहीं पता कि उसमें मैंने कंटेंट अभी सोचा ही नहीं है। मैंने बस बनाया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो कंटेंट का नाम याद नहीं है, वो मैं टाइटल में डाल दूंगा। तो मैंने बस, तो यार कुछ नहीं, बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो ये बैकग्राउंड लिया है आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा लिंक में, तो कंट्रोल ओ। तो ये मैंने बैकग्राउंड लिया था इसमें, ओके। अगेन आप चाहे कंट्रोल ओ प्रेस करो यहाँ पे जाके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैट पेंटिंग में बताया था ना कि मैंने ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखा था, आपको बस कॉपी पेस्ट करना था। सिंपली इसमें भी यही करना है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने सब कुछ सीरियस वगैरह लगा रखा है, सॉरी। सबसे पहले बेस लेंगे जो कि बैकग्राउंड का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली ओपन करता हूँ। हाँ पता है, बच्चा सा लग रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे बैठा इसको। अगेन इसको मैं काट देता हूँ, कंट्रोल ओ। तो इसमें से ये उठा लिया मैंने, अब इसका ये उठाएंगे। कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी से, कंट्रोल ए से फॉर सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल बी पेस्ट, ओके। तो बस इसमें इतना ही करना है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज बतानी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में लेके चलता हूँ। तो मेरा इतना तो हो गया, ठीक है। देन इसके बाद जो भी मैं करूँगा वो मैं फिल्टर पे जाके मतलब इस पर असर डालूंगा, नाइट टोन। अब यार ये तो कॉमन सी बात है ना, ये मैंने हाथ में हाथ मशाल पकड़ रखा है, शेडो आ रहा है, मून है, तो दिन में तो होता नहीं है ना। तो मैं इसको रात, जैसे रात होता ना ब्लू ब्लैक इन टोन में कुछ होता, मून लाइट कलर डालूंगा। कैसे डालूंगा, स्क्रीन पर आपको यहाँ जाना है, एडजस्टमेंट लेयर पे, और तीन आपको पास कलर लुकअप, कलर लुकअप आ गए। इस पे जाकर आपको सीधा यहाँ करना कुछ नहीं, बस मूनलाइट, कुछ नहीं, ओनली क्लिक करना मूनलाइट पे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दो उठा के हमें इसके ऊपर रखना है, इस कलर टोन के ऊपर, क्योंकि हमें इसको दिखाना है। तो एक मिनट, इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, कॉपी लेंगे ना तो उतना डार्क होता जाएगा ज्यादा।
देखो एक क्या होता है, अगर हम एक चीज को ना इतना कॉपी लेंगे ना उतना उस चीज में डार्क बना कर आएगा। तो मैंने वही किया है, यहाँ से मैंने इसकी एक कॉपी ला सॉफ्ट लाइट, तो मैंने इसकी दो कॉपी लेंगे ना। तो बस अब फायर में मैं कुछ चार्ज नहीं करना, इसको ऐसे भी रखना है। और हमें ये करना है क्या, मून मून होगा, मून को भी मैं ऊपर अब इसकी रिफ्लेक्ट हमें सब पे चीजों पे दिखाना, रिफ्लेक्ट आने के लिए करना पड़ेगा। इनके इस पे क्लिक करो, कंट्रोल के साथ यहाँ प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन अपना भी बना कर दे देगा रिफ्लेक्ट पर, ठीक है। हमें इस पे रिफ्लेक्ट दिखाना है, तो एक काम करेंगे कंट्रोल की छोटी सिलेक्ट अगेन प्रेस देन न्यू लेयर ब्रश लेंगे, इसको जो हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ में करना है व्हाइट कलर फिल, ठीक है। यहाँ से हम डालेंगे सीधा, कुछ नहीं करना यहाँ से, देन कुछ नहीं करते जाएंगे। टेपिंग मास्क से नीचे, इसको हम जितना नीचे करेंगे ना उतना डार्क बनाएगा। देखो तो हमें ज्यादा नीचे है ना, हल्का सा करना है, हल्का सा इसको, और इस पे अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इस पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसका टोन में यहाँ डाला था, नाम रख देंगे कुछ, रैंडम नहीं नाम कुछ भी रख देंगे जो आपको याद रहे ना, जिससे दिक्कत नहीं होती। अब सीधे ऐसे भी वही अप्लाई करना है हमें। एक तो तरीका मैंने ये आपको ये बताया कि इसको सेलेक्ट करो कि अलग से ले लेके लो, दूसरा तरीका ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये है ना, तो मैं इसको भी सेलेक्ट किया, फिर ये कलर जो मैंने मूनलाइट इफेक्ट डालना है इसको भी इरेज करता हूँ। यहाँ पे मास्किंग ऑलरेडी बना रहता है, हम सीधा ब्रश लेंगे इसको जरा मैं एडजस्ट करके ठीक कर दूँ। अब यहाँ से हम इसको ऐसे इरेज कर देंगे थोड़ा सा ऐसे ठीक करके, काम करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने स्टैचू बनाया है वो ये स्टैचू भी हम यूज करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे लेगा, ब्रश ले लेंगे आगे। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ भी अप्लाई कर रहा हूँ ना, कुछ काम नहीं हो रहा ना, इरेज नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि ये मास्किंग है,
ये जो वाइट जो होता है ना वो फिल करता है, किसी ऑब्जेक्ट में फिल करता है कलर, और जो ब्लैक होता है वो हाइड करता है, किसी ऑब्जेक्ट का कलर हाइड करता है, कुछ भी चीज़ ले लो हाइड करता है ब्लैक। आप बस इतना याद रखना, ब्लैक हाइड करता है, वाइट फिल करता है। मुझे पता है किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, इसका मैं अलग से किसी दिन डीपली समझाऊंगा मास्किंग होता क्या है। और ये मास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक में काम आएगा, फोटोशॉप से लेकर 3D इफेक्ट सब में काम होता है। ठीक है, तो इतना से ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। बेसिकली मैं एक्स को प्रेस करूँगा तो चेंज होता रहेगा, देखो सिंपली यहाँ से प्रेस कर सकते हो, चेंज होता रहता है। तो मैं ब्लैक लेके यहाँ पर हो रहा है ना, तो सिंपली मुझे ऐसे ही करना है इस पर। कंट्रोल जैसे और हाँ, ऐसा लग रहा है रिफ्लेक्ट आ रहे हैं इनपे। इतना करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, देन इस पे जाना है। देखो यार, मैंने आपको ना सब कुछ ऑलरेडी बनाकर दे रखा है, बस मैंने आपको जितना बताया सिर्फ उतना ही अप्लाई करना है ना। आप चाहे ये चीज़ हटा के ऐसे सीधा फोटो क्लिक कराओ और यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को खड़ा करो तो वो भी चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको इस पे जाओ, देन न्यू लेयर, आपको शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट की प्रेस कर देना है। ये देखो, इन सबको मर्ज करके एक न्यू लेयर बना कर दे देगा। अब हमें कुछ नहीं करना, रिटचिंग करनी हल्की, ज़्यादा नहीं। कैमरा फिल्टर पे अप्लाई प्रेस करेंगे, सॉरी ये कुछ और, ये फिल्टर देन कैमरा फिल्टर, इस पे जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा यार, मेरा ना सिस्टम थोड़ा ओल्ड है तो इसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। तो ये आ गया, ठीक है। आपको यहाँ से फास्ट डिटेक्शन देना ज़्यादा पसंद, बढ़ाऊँगा उतना डार्क बनाऊंगा, जितना उतना लाइट बना और हाईलाइट को बढ़ाना है लगे कि शेडो को थोड़ा सा कम कर देंगे, वाइट को बढ़ा के और ब्लैक को टेक्सचर को थोड़ा बढ़ाते हैं और क्लैरिटी को, इन दोनों को ना ज़्यादा ना ना छेड़े तो ही बेहतर रहता है, बस हल्का सा बढ़ा। देन कर्व पे जाएंगे, कर्व थोड़ा सा कम करेंगे, ज्यादा नहीं छोड़ना, हल्का सा डिटेलिंग शार्पनिंग पे काम कर देते हैं। सैचुरेशन को जाते हैं, इसको आगे करते हैं, एफओ भी जाते हैं। अब
देन कलर ग्रेडिंग नीचे आएंगे, थोड़ा सा हाईलाइट खुद करना है, थोड़ा सा हाईलाइट में ज़्यादा वाइट टोन आ रहा है वो नहीं करना मुझे, हाईलाइट में थोड़ा सा ब्लू स्टोन डालना है, थोड़ा सा आने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को अब जितना बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो करेगा, तो ज़्यादा कुछ होना नहीं, हल्का सा आगे करना है, उसको जितना आगे बढ़ेंगे उतना देगा वो, उसको भी ज़्यादा मैं नहीं छूँगा, हल्का से उसको भी आगे करना है। शैडो हो गया नीचे, बस। इतना होने के बाद, हारा होने के बाद हम सिंपली कुछ नहीं करना है ऐसे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, देन नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा एक, जब ले जाऊँगा तब बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए यार, वो तो करना ज़रूरी है ना, वो नहीं करोगे तो कैसे चलेगा ना, तो चाहिए। All you left me was a radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah, and it goes like ooh.